एक्चुअली क्या, हमारी फैमिली को जो हेल्प करेगा मैं उसके बारे में बोलूँगा। राहुल चावले सर ने, मतलब मेरी भतीजी ना, उसको एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उसको प्राइवेट से हम लोग लेके गए थे म्यूनसिपल ICU में। कम से कम 4 हॉस्पिटल घूमे, हर जगह फुल बता रहा था। तो अपने चिदागेम के उप शाखा प्रमुख है इमो भाई, उनके थ्रू हम लोग जे हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ पर भी गए तो जब ये ICU हम लोग को मतलब लेके जाओ करके बोल दिए, प्राइवेट में लेके जाओ, कहाँ भी लेके जाओ, फुल है करके। फिर भाई ने आके फ़ोन करे इधर, फिर राहुल सर ने रिस्पॉन्स लिए, फिर वहाँ फ़ोन करके फिर लड़की को एडमिट कराए। आधे घंटे के अंदर एडमिट कर दिए। यानी किधर भी मतलब हर म्यूनसिपाली वगैरह में मतलब ICU अवेलेबल ही नहीं करके बोल डाले थे। और उनके थ्रू हुआ है तो फिर हम लोग तो उनको ही वोट देंगे ना। सर, चिताकेम की जनता से क्या कहेंगे इस बार, किसे वोट देना चाहिए? सर राहुल भाई ने तो बहुत लोग की हेल्प की है। अब हेल्प किए तो उनको समझना चाहिए कि भी किसको वोट देना है। वो किसी की तरफ से भी करने तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो हम सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम नजीमा है, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को एक आँख से दिखता नहीं है। अभी मेरा पेंशन चालू हुआ राहुल शिवाड़े की तरफ से, वो सर की तरफ से मेरा पेंशन चालू है। हाँ, जितना चाहिए। ज़्यादातर तो मैं, जहाँ तक है मेरी जानकारी है, मैं राहुल शिवाले साहब को ज़्यादातर जानती हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है और हमारे एरिया में उनका काफ़ी नाम है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुझे मदद किया है हॉस्पिटल के थ्रू। मैं 4 साल से बहुत परेशान थी, मुझे हाइटस हर्निया हुआ था जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था। मैं 4 साल यहाँ वहाँ भटकी हूँ, DY पाटिल, साई हेगड़े, बहुत जगह पे मैंने अपना पैसा सब वेस्ट कर दिया पूरा, लेकिन कुछ हल नहीं मिला उसका। लास्ट में जब हम लोगों ने हमारी बीमारी के बारे में वहाँ पे बताया तो उन्होंने रिकमेंड किया जे जाओ, हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ जाने के बाद डायरेक्टली मेरा ऑपरेशन हुआ 1 हफ्ते के अंदर, और मेरा ऑपरेशन 6 घंटा चला। उसके बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नहीं तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं दिन ब दिन, मेरी हालत और मेरी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। ये सारी चीज़ें उनके एक कॉल से मुझे फैसिलिटी मिली, एवरीथिंग मिला, और बिना पैसे के, बिना कुछ भी पैसा वेस्ट किए बिना मेरा पूरा ऑपरेशन हुआ। तो एक सिंगल पैनी भी मैंने खर्चा नहीं किया। तो क्या लगता है आपको इस बार जो है आपका वोट और आपके घर वालों का वोट किसे जाना है? मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर हमारा काम कोई भी उम्मीदवार से हो, वो कोई भी पार्टी का हो, अगर हो रहा है तो वही उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। राहुल रमेश शिवाले और अनिल देसाई के बीच में जो है ये लोकसभा चुनाव जो है चल रहा है, इस इलाके से किसकी जीत होगी क्या लगता है आपको? राहुल रमेश शिवाले। यहाँ की जनता को, चिताकेम की आवाम को क्या कहेंगे आप लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं तो चिताकेम की जनता को यही कहूँगी कि लोगों को देखकर, लोगों एक चिन्ह उसको देखकर, या ये भाजपा है या ये है वो मत देखिए, सही उम्मीदवार चुनिए ताकि आपका काम आसानी से हो, आपको धक्के खाने नहीं पड़े, सारी चीज़ें आपकी आसानी से हो, मैं यही चाहूँगी। और आप राहुल शिवाले सर को ही वोट दीजिए ताकि वो हमारे काम आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सारे काम हो सके बा आसानी। तो हम तो राहुल शिवाले को वोट देंगे क्योंकि हमको एक लेटर भी लेके आने जाना पड़ता है, तो राहुल शिवाले के इधर इजी से मिल जाता है लेटर। अब इनको लेने के लिए हम क्या दादर जाएंगे लेटर लेने? शिवाले को वोट देना चाहिए। अनिल देसाई को तो हम पहचानते भी नहीं, राहुल शिवाले हमारे लोकल है, या के हम लोग जाते भी तो मिलते हैं हमारे को ऑफिस। मेरे हिसाब से भी राहुल भाई ठीक है क्योंकि राहुल भाई काफ़ी हमारे नज़दीक रहते हैं, तो कुछ काम रहेगा तो हमारे को ईजी पड़ेगा, और काफ़ी हमारे को BJP से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। राहुल भाई को हम 10 साल से जान रहे हैं, उनके पास जो भी कितनी बार भी काम करने के लिए गए तो हमारा काम हुआ है। वोट दो, मेरे हिसाब से तो राहुल भाई बेस्ट है। राहुल राय जीतेंगे क्योंकि 10 साल से वो सीट पे है, हमारा काम कर रहे हैं। क्या काम किया? वो राशन कार्ड, मतलब मेरे पोतरा का राशन कार्ड में नाम नहीं था तो हम लोग वाड़िया दवाखाने में एडमिट कर रहे थे, उसको ब्रेस्ट कैंसर था तो हम लोग को राशन कार्ड में नाम डालने का था, तो हम लोग ने इब्राहिम भाई के जरिए से, राहुल राय भाई से मिले, वो जरिए से हम लोग का काम राशन कार्ड में हो गया। तो इस बार आपका वोट किसे जाएगा? राहुल राय को जाएगा। ऐसी बात है, राहुल शिवाले सर ही जीतेंगे अभी इस बार। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बात ऐसी है कि मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर बताया था, वाड़िया हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू था, और वहाँ के जो अनिकेत सर है उन्होंने बोला था कि राशन कार्ड में नाम डालना पड़ेगा बच्चे का, तो हम लोग ने इब्राहिम भाई के पास गए, इब्राहिम भाई ने राहुल शिवाले भाई के ज़रिए से 2 घंटे के अंदर, वो 2-3 महीने का काम था लेकिन उन्होंने 2 घंटे के अंदर मेरे सास के
राशन कार्ड से नाम निकाल कर मेरे राशन कार्ड में नाम डाले 2 घंटे के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी के थ्रू नहीं हुआ है, ये राहुल शिवाले के थ्रू ही हुआ है। तो आपका उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। वोट किसे देंगे भाई? मैंने इससे पहले भी राहुल शिवाले भाई को दिया था और उनको ही सपोर्ट करते हुए आ रहा हूँ, इस बार भी मैं उनको ही करूँगा। मैं यही कहूँगा किसी बाहर के आदमी को ना लाए, राहुल शिवाले को ही जीता है। राहुल शिवाले की जीत होगी। मैं 1 महीने से परेशान थी, इतना मेरा चप्पल घस गया, मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा था। उनका कॉल आने से मेरा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन हो गया। जीत तो उनकी होगी और कुछ भी है हमारे लिए, हमको बहुत साथ देते। मेरी बेटी भी दवाखाने में थी, उसके दिल में सुराग था, उन्होंने हमारे लिए बहुत हेल्प करे ले और आगे चल हम उनकी हेल्प करेंगे और आएंगे तो उन्होंने ही आएंगे। किसकी जीत होगी ये तो महाराष्ट्र में सभी को पता है और हमारे एरिए से अनिल देसाई साहब की जीत होगी। क्यों अनिल देसाई की क्यों जीत होगी, ये क्यों लगता है साहब? क्यों लगता है उन्होंने ऐसा यहाँ पर? क्यों लगता है? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहीं मिलेंगे जहाँ कहीं रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले हम मिलेंगे। अगर उद्धव साहब के नाम पे कभी जंग हुई तो सारे मुसलमान तुम्हें पहली सफ में खड़े मिलेंगे। आज ये स्लम एरिया, यहाँ से लेके धारावी से लेके बुईवाड़ा तक के सारा मुस्लिम एरिया है और मुस्लिम मत जो है वो एक तरफा गिरने वाले है, जिसकी अनिल देसाई साहब की जीत की वजह बनने वाली है। ऐसा देखा जाए तो राहुल शिवाले के भी जो है मुस्लिम समर्थक है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट उन्हें है, कह रहे हैं कि राहुल शिवा अनिल देसाई जीतेंगे, तो ऐसा क्या काम है उनका, उनका जो पास्ट का जो पास्ट के जो उनके काम है कुछ बता सकते हो क्या? देखिए ये इलेक्शन काम के ऊपर नहीं चल रहे हैं, गाड़ी को देख कर ही जो है। देखिए ये इलेक्शन काम के ऊपर नहीं चल रहा है, ये इलेक्शन चल रहा है झूठ और सच की लड़ाई। एक दौर था जब अंग्रेज़ों को मार भगाया था यहाँ से, आज एक दौर है कि झूठों को हमको यहाँ से हटाना है। झूठी की सरकार गिराने के लिए, झूठ की लंका जलाने के लिए महाराष्ट्र में हमने मशाल का आँख जला दिया है और मशाल की आँख से झूठ की लंका जलाने का पूरा काम करेगी। राहुल शिवाले को क्यों नहीं देना चाहिए? राहुल शिवाले को देना या नहीं देना ये बात नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिल्ली में बिठाया जाए और राहुल गांधी के लिए ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सारी पार्टियां देख रहे हो आपके राहुल गांधी के साथ में हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ में, इंडिया गठबंधन जो है आज उरूज पे चल रहा है और जीत की चरम सीमा पे है। आपने पूरे हिंदुस्तान का अगर रिजल्ट देखा होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस बार सत्ता चेंज होगी और झूठ का पर्दाफाश होगा, झूठ की लंका जलाई जाएगी मशाल की आंख से। चीता गैम में स्कूल के नाम पे कोई स्कूल अच्छा नहीं है, कॉलेज की अगर बात करोगे तो 1 डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, कोई कॉलेज अच्छा नहीं है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से बाहर जाके पढ़ती है, कि उनको सेफ्टी के लिए हम लोग हमारे मोहल्ले में स्कूल कॉलेज पढ़ाया जाए, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। उसके अलावा हॉस्पिटल की बात करोगे तो 1 मैटरनिटी होम है जो कई सालों से वीरान और खंडर पड़ा हुआ है, जिसमें सिर्फ डिलीवरी होती है, वो भी 10 में से 3, 7 डिलीवरी को वो लोग साइन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, तो कहाँ काम हुआ मुझे पता नहीं है भाई। तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से एक ही अपील करूँगा, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़िए। महाराष्ट्र में सारी पार्टियाँ एक साथ लड़ रही है और कांग्रेस का साथ दीजिए। यहाँ से जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो सारा समर्थन कांग्रेस को जाने वाला है, तो कांग्रेस का साथ दीजिए, झूठ का बोलबाला खत्म होगा, झूठ की लंका जलाई जाएगी और इस बार सच्चाई की जीत होगी। अनिल देसाई। अनिल देसाई। हाँ। बस ऐसी ही। आपको भरोसा है? हाँ, बहुत भरोसा। देखो इस बार इंशाल्लाह राहुल भाई की जीत होगी, इसलिए होगी राहुल भाई की जीत, राहुल भाई ने हमारे लिए गांव के लिए बहुत कुछ काम किए और राय इज्तमा का प्रोग्राम 2 से 3 बार हुआ, उसमें राहुल भाई का बहुत बड़ा हाथ है, अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। और राय तीसरा, ये गांव में बहुत से मसले हैं, मैं नाम लेके नहीं बता सकता हूँ, किसी के घर की ऐसी ऐसी परेशानी है जो मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ, उसमें भी राहुल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। हमने जब भी राहुल भाई के पास कुछ काम के लिए गया तो राहुल भाई ने बढ़ चढ़ के कोई जात धर्म नहीं देखे, उसके लिए काम भेज झिझक किए। आज जो आ रहा है जात धर्म की बात आ रही है, जो भी बात आ रही है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है हमारे को काम कौन करके दिया, हमारे गाँव का कौन है। राहुल शिवाले साहब है, हम उनके लिए
काम करेंगे, हम वो हमारा ख्याल करें तो हम उनके लिए पूरा ख्याल करेंगे। और रही बात शताब्दी हॉस्पिटल का, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो जो तैयार हो रहा है और राहुल भाई की बदौलत हो रहा है, तो उसमें वो जाने से कई गरीब लोगों को काम मिलेगा और यहाँ की जो परेशानी है डिलीवरी का है और भी जो बीमारी का है, राहुल भाई की बदौलत सबका आसान हो जाएगा काम। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है राहुल भाई को लाना है। अनिल देसाई या फिर राहुल शिवाले, क्या लगता है किसकी जीत होगी? यहाँ से तो इंशाल्लाह देखो राहुल भाई आने वाले, क्योंकि 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 यहाँ पे जो ये इतना जो अभी इधर पे डिमांड जो घर का गिरा, वैल्यू गिरे, और इधर पे खेलने के लिए ये अपना ये मेट्रो का काम इधर पे लेके आए, इधर पे अंदर बहुत सारे हमारे दोस्त लोग को हमको सबको मिला काम अंदर भी, और ग्राउंड का हो गया जैसा यंगस्टर लोग को खेलने के लिए सब अवेलेबल करके हमको दे रहे राहुल भाई, अंदर ग्राउंड भी बना के दे रहे, बोले बात हुई है, ये सब हुई है बात। तो और कुछ और बहुत सारे बातें जो राहुल भाई हमारा क्लियर करते हैं। राहुल शिवाले या फिर अनिल देसाई, क्या लगता है भाई किसकी जीतेंगे इस बार? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वोट देना है अपना तो मैं मेरा पर्सनल वोट तो मैं राहुल भाई को ही दूंगा, अनिल देसाई को इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कुछ भी काम के लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बॉम्बे जा सकूँ। और राहुल भाई को इसलिए दूंगा क्योंकि राहुल भाई ने बहुत कुछ किया इस गांव के लिए, तीसरी बार इंशाल्लाह ताला तीसरी बार ज़रूर उनको जिता के लाएंगे हम लोग। और रहा सवाल राहुल भाई जीत का मसला, राहुल भाई इसलिए जीत के आएंगे क्योंकि राहुल भाई ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए। फर्स्ट ऑप्शन कब्रस्तान का जो मसला था वो काम किया, दूसरा इतना बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट लाए, और ख़ास करके स्पेशली फयाज़ भाई ने इस बार रैली में, मैंने राहुल भाई से कहा कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो फयाज़ भाई के सामने राहुल भाई ने और तमाम जनता के सामने राहुल भाई ने पर्सनली वादा किया, बोले मैं जीतूं या हारूं मैं एक नहीं आप लोगों को दो स्टेडियम प्रपोज बना के दूंगा। तो इस बार जो है चिता गेम की जनता से क्या कहेंगे, किसे वोट? मैं चिता गेम की आवाम से तो यही कहना चाहूँगा कि भाई राहुल भाई जैसा आदमी वापस से लाओ आप लोग जिता करके, क्योंकि वो बंदा मैं जब भी गया हूँ मैं उनके पास में, वल्ला मैं मरती रात में झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब भी गया उनके पास में उन्होंने मुझसे एक ही बात कही है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आओ मेरे पास मैं बैठा हूँ काम करके दूंगा आप लोगों का, लेकिन चिता गेम की आवाम ही उनके पास जाती नहीं। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना वोट राहुल शिवाले को दे, और चिता गेम की आवाम से भी एक दरख्वास्त करूँगा कि राहुल शिवाले को अपना वोट दे। ऑब्वियसली राहुल शेवाळे, कारण की राहुल शेवाळेने एवढं काही करून ठेवलं नाही, ते खूप काही केलं राहुल शेवाळेने, बसायला जागा नव्हती सगळ्यांना, सीट वगैरे ग्राउंडमध्ये त्यांनी करून दिलेत, आता लोकांना कामं नव्हते सगळ्यांना कामं दिलेत त्यांनी मेट्रोमध्ये, ते पण वर्किंग चालू आहे अजून पुढे गेल्यानंतर खूप प्रोसिजर आहे, त्यानंतर पण जे एज्युकेटेड आहे त्यांना पण जॉब वगैरे चांगले भेटतील आतमध्ये, मग ते पोरांना खेळायला ग्राउंड वगैरे करून दिलेत, खूप काही करतात, म्हणजे ते बोलतात की मायका या आणि काम करून घ्या, असं कोणता नेता बोलत नाही की मायका या आणि काम करून घ्या, त्यांची ऑफिस आहे 12 ते 15 वर्ष झाले ती ऑफिस आहे, चालूच आहे, नेहमी चालू असते, कोण पण जाऊ शकतं, कोण पण काम करून घेऊ शकतं तिथून, म्हणून राहुल शेवाळेला आम्ही मतदान करतो यावेळी आणि त्यांना जिंकून आणणार आहे। इकडची जनतेला काय तुम्ही आवाहन करणार आहे? हां, इथल्या जनतेला आम्ही तेच करतोय, प्रोत्साहन करतोय की बघा तुम्ही तुमच्यासाठी कोण उभं राहणार आहे ते बघा आणि त्यांना वोट द्या, असं नाही की वोट दिला आणि तो घरात बसल्यानंतर कोणाला काय बघितलं नाही काय, जनतेला काय पाहिजे काम करून पाहिजे, तर राहुल शेवाळे असा माणूस आहे की काम करून देतो, म्हणून आम्ही सगळ्यांना सांगणार आहे दाखवणार आहे ते काय काय केलं आहे काय नाही केलं आहे सगळं दाखवून आम्ही प्रोत्साहन करतो असं। इंशाल्लाह राहुल शिवालेही जीतेगे चिता गेम से, और अपने राहुल शिवाले ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मेट्रो में काम दिलाया है और अपना जो दवाखाने का काम है फयाज़ भाई के थ्रू से अल्हम्दुलिल्लाह हर काम हो जाता है, कुछ भी हो हर काम हो जाता है। बाकी चिता गेम की आवाम से एक ही रिक्वेस्ट है, बस हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करता हूँ राहुल शिवाले को वोट दो। अनिल देसाई या फिर राहुल रमेश शिवाले, क्या लगता है किसकी जीत होगी इस इलाके से? इस इलाके तो राहुल सर का जीत होना चाहिए। क्यों सर, क्यों लगता है ऐसा कि उनकी जीत होना चाहिए? पिछले 10 साल से अपने एरिया के लिए अच्छा काम किया है, जो भी छोटे मोटे काम के लिए बाजू में रहता है हर चीज के लिए वो अपना काम आता है। ऐसा क्या काम किया आपका उन्होंने? चिता गेम के लिए बहुत सारे काम किए, अपने खाड़ी का नाले वगैरह इसका बहुत काम किया है, बहुत अच्छे अपने राहुल शिवाले।
और बहुत मानते हैं यहाँ पे जीता के, मैं हर चीज के लिए कोई भी जीता के की जनता को क्या कहेंगे सर इस बार लोकसभा चुनाव को, मतलब किसे वोट देना चाहिए? जीता के की जनता के लिए, अपने एरिया के लिए तो राहुल शिवाले को वोट देना चाहिए, समझे ना। राहुल शिवाले हर चीज के लिए, जो भी चीज के लिए कोई भी जाते तो हर चीज के लिए मदद करते हो, अपने यंग यूथ लड़के के लिए भी, ग्राउंड के लिए भी, कोई भी चीज के लिए, हर चीज के लिए अपने सामने आते, सब चीज के लिए काम करते, अच्छे काम करते। हमारे हिसाब से तो राहुल भाई जीतेंगे क्योंकि लोकल है ना वो यहाँ के, तो हम लोग के हिसाब से राहुल भाई आएंगे। उनको तो हम पहचानते भी नहीं है कौन है करके, राहुल भाई को तो हम लोग जमाने से जानते हैं कि वो राहुल भाई यहीं के हैं। हाँ, तो कुछ भी हम लोग को छोटा मोटा कुछ भी काम रहेगा तो हम लोग यहीं है चले जाते राहुल भाई का, और हो भी जाता हम लोग का काम, तो हम लोग उन्हीं को जानते, तो हमारे लिए हमारे हिसाब से वही जीतेंगे। लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं राहुल जी वाले? हम, मैं लोगों का नहीं, मैं अपना बताऊंगी कि मैं, मेरे को कुछ भी काम रहेगा तो मैं बाजू में है, भाई के पास जाएंगे तो काम हो भी जाता, फटाक से कर भी देते हो और सुनते यानी लोगों को। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हमारे एरिया में एरिया टूटा हमारा, तो वहाँ मेरा भी एक घर था, मुझे भी एक बिल्डिंग में घर मिला है, तो जैसे हमारा घर 5-6 लाख रुपये का था तो वहाँ हमारा कम से कम 25-30 लाख रुपये का एक घर हुआ, हमारे भी एक बेनिफिट बढ़ा, सबका हाथ है इसमें, तो हम लोग के लिए साथ दिए वो। मेट्रो आया हमारे चीता गेम की इतनी वैल्यू नहीं थी, हम लोग बहुत गांव टाइप एरिया में रहते, पर मेट्रो आने से हमारे एरिया में हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। सलाम अलैकुम। राहुल भाई जो है अच्छे हैं, हम लोग सबका जो भी काम है सुनते हैं, बच्चों के स्कूल के बारे में जाओ या दवाखाने के कुछ भी काम के लोग सुनते हैं, इसलिए वो जीतेंगे तो अच्छा ही है। मैडम अनिल देसाई या फिर राहुल शिवाले, क्या लगता है किसकी जीत होगी यहाँ से? राहुल शिवाले की जीत होगी। क्यों जीत होगी, ऐसा क्यों भरोसा क्यों? उन्होंने 10 साल से इधर बहुत काम कर चुके हैं, मेन बोलेगा तो तमिल वालों के लिए ज़्यादा काम करेले, मंदिर में कुछ भी मतलब मंदिर बनाने का रहेगा तो कुछ भी रहेगा तो मेन खड़े रह के बना के हम लोग को दिया है उन्होंने। धारावी सैन कोलीवाड़ा उधर भी बहुत उनका काम आगे आ चुका है, और दीपक महेश्वरी भी उनके साथ है, जुड़े हैं, उनके तरफ से भी काम बहुत कुछ हुआ है लॉकडाउन के तरफ, लॉकडाउन में तो उन्होंने बहुत कुछ काम कर चुके हैं इधर चिता कैंप में। जनता को क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? सबको बोलना चाहती हूँ कि तमिल सब ये सबको बोलना चाहती हूँ कि उनको ही राहुल शिवाले को उनको वोट देना चाहिए, क्यों और हमको काम आगे बढ़ाना है और बहुत कुछ काम बाकी है, वो भी उनके तरफ से हो सकता है, उनको वोट डालेगा तो और आगे बढ़ सकते हैं अपन जाके। राहुल शेवाले कारण ते खूप चांगलं काम करतात, ते त्यांनी काम केलंय आमच्यासाठी, ते महत्त्वाचं काम केलंय, माझा वडापावचा धंदा आहे, त्यांनी खूप आम्हाला सपोर्ट केलाय, खूप जण आमचा धंदा बंद करण्यासाठी प्रयत्न करत होते पण त्यांनी आमच्यासाठी म्हणजे सपोर्ट केलाय। कधीच नाही आल्या, पहिल्यांदाच नाव ऐकलंय, हो नाही अनिल देसाई मीन्स फर्स्ट टाइम आया ना हम लोग एरिया में, तो कोई पहचानते भी नहीं उनको अच्छे से, तो भी अभी राहुल शिवाले, हाँ क्योंकि वही जो इन्होंने बोले वही मैं बोलती हूँ, अच्छा काम किया है सब, अच्छा आज इतने साल से हमारे घर जैसा है उनका संबंध, घर के जैसे है। माझा स्वतःचा कॅटरिंगचा व्यवसाय आहे आणि कॅटरिंगच्या व्यवसायामध्ये मी माझा स्वतःचा एक अनुभव सांगते की मी जेव्हा कॅटरिंग करताना माझं कॅटरिंगचं जेवण मी बाहेर घेऊन जाते आणि जाताना वाशी चेक नाक्यावर नेहमी मला अडवलं जायचं, जेव्हा जकात नाक्यावर टोल नाक्याचा संबंध नव्हता तेव्हाची गोष्ट, जकात द्यायचा संबंध यायचा ना तेव्हाची गोष्ट, आणि येताना राहुल शेवाने स्वतःहून मला बघितलं की मी रात्री त्या जकात नाक्यावरच्या लोकांबरोबर मी भांडते, तर त्यांनी स्वतःहून मला रस्त्यात मी उभी आहे आणि भांडते कोणाबरोबर ते बघून आहे ना, ते स्वतः गाडीतून उतरले आणि मला विचारलं काय प्रॉब्लेम चाललं आहे तुमचा काय झालं, तर ते बघितल्यानंतर त्यांनी जेव्हा ऐकलं की मला सोडत नाही 50-70 रुपयासाठी, तर ते स्वतः तिकडे उतरून माझ्यासाठी ते तिथे शिव्या देऊन भांडले की ह्याच्यापुढे ही बाई इथून जाताना फ्री गेली पाहिजे आणि फ्री आली पाहिजे, एखाद्या एखादी स्त्री हा बिझनेस करते त्यासाठी तुम्ही तिला काहीच कुठल्याच गोष्टीचा त्रास द्यायचा नाही, आणि मला मी माझ्या दारात पण इथे जेवण बनवून घेऊन जाते, छोटीशी कामं असतात ते इथे तुम्ही बाहेर घेऊन जाऊन जेवण बनवू शकत नाही हॉलमध्ये किंवा काय, तर मी इथून असं जेवण देते जसं 25-50 लोकांचं असेल, तेव्हा पण इकडचे काय काय जे लोकं आहेत ते माझ्या विरोधात मुद्दामून कंप्लेंट द्यायची पोलीस स्टेशन म्हणा, मग पोलीस स्टेशनला काहीच प्रॉब्लेम झाला नाही तर मग BMCला जाऊन त्यांनी हेल्थ वॉर्डला वगैरे कंप्लेंट दिली, त्यावेळेला हेल्थ वॉर्डची लोकं माझ्याकडे आले तर मी फक्त राहुल शेवाने एक फोन केला आणि ते तर तेव्हा उद्धव साहेबांबरोबर नांदेडला होते की भाऊ असं असं झालं आहे मला BMCवाले येऊन त्रास देतात,
तर तिथून त्यांनी त्यांना काय बोलले माहीत नाही, बी एम सीचे लोक त्यांचं ते फोनवर काय भाषण ऐकून निघून गेले. काय वाटते तुम्हाला इकडे कोण जिंकणार आहे, राहुल शेवाळे की आनंद साहेब? राहुल शेवाळे इज बेस्ट. सबसे मेन तो उन्होंने लेडीज के लिए शासन की तरफ से जो मशीनरी सप्लाई किया है उसमें भी उनका हाथ है. और वहाँ तक मशीन सप्लाई करने के टाइम वो वहाँ से बोले भी, अगर किसी को इस बारे में हेल्प चाहिए तो बिंदास कांटेक्ट कीजिए. जैसे हमारे है आदमी लोग, उनसे बोलिए क्या हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा. मैं राहुल साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ, जब आज़ाद उम्मीदवार से टीवी से खड़े थे, जब से वो काम बहुत किए हमारे इलाके में. और पायलीपाड़ा में पानी के बहुत प्रॉब्लम था, वो भी काम किए और अभी तक काम करते हैं. अगर उनके ऑफिस में जाओ तो हर काम करते हैं उनके आदमी लोग, सब लेटर भी देते हैं जो कुछ करना कॉलेज के लिए किसके लिए, हर उसमें खड़े रहते हैं और काम इतना करते हैं कि उनकी तारीफ जितना करो उतना ही कम है. और किसी बात का उनकी शिकायत नहीं हुई आज तक. और वो ऐसे आदमी हैं कि फौरन सुनते हैं और हर चीज़ देते हैं और कोई वहाँ से वापस नहीं आता है. और घर घर भी आते हैं और कोई काम होता है. पानी का इतना यहाँ प्रॉब्लम था कि कुछ कहने का नहीं. तो नीचे जो है एक डैम भी लगाए हैं, पानी पूरे पालीपाड़ा में सप्लाई हो रहा है और घर घर पानी जा रहा है. लोगों को बहुत तकलीफ था पानी का, पानी का एकदम बहुत आराम हो गया है और दो टाइम पानी भी आता है. उनका एक डैम बना हुआ है अम्बोले साहब की जगह में, उन्होंने पूरी कोशिश करके पूरे पालीपाड़ा के लिए इतना पानी भरपूर आता है कि लोग खुश रहते हैं और उनके कभी बुराई नहीं करते. और उनकी इतनी तारीफ है कि जितना तारीफ करो उतना ही कम है. और हमेशा जो है जनता का, पब्लिक का ख्याल रखते हैं और किसी को वो नहीं करते. अब मुस्लिम सपोर्ट करेंगे राहुल शिवाले? हाँ बिल्कुल करेंगे. राहुल शिवाले तो डायरेक्टली मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम को और हमेशा मुस्लिम भी उनको चाहते हैं, बहुत दिलचस्पी से चाहते हैं. क्या भले पार्टी उन्होंने बदल दिया लेकिन उनके चेहरे पे सब लोग जो है खुशी रहते हैं कि काम किए हुए हैं, हमको वोट देना है उनको. तो वो हिसाब से क्या कहेंगे जनता से भी? सब जनता यही कहती कि वो तो अच्छे आदमी थे और उनके वजह से हमको वोट उनको ही देना है. वाले साहब जो है, जो पहले से हम लोग उनको जानते हैं अच्छी तरह, अनिल देसाई को हम लोग जानते ही नहीं है. ये बंदा नया चेहरा लेके आया हुआ है तो हम उनको क्यों वोट दें? हमारा कीमती वोट हमारे जो चाहने वाले जो है राहुल शेवाळे उनके लिए ही देंगे ना, उनको क्यों दें जो काम नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए जो काम किए हैं वो उनके लिए हम लोग हमारा कीमती वोट देंगे. और हर सब जगह पानी से लेके ट्रॉम्बे गांव से लेके हमारे मज़हब के मदरसे के लेके हज कमेटी से लेके सब कुछ काम राहुल शेवाळे जी ने किया है, तो हमारा कीमती वोट उनके लिए रहेगा. उनका स्वभाव अच्छा है, नेचर अच्छा है और काम करने का ढंग भी अच्छा है साहब का. इसके लिए शेवाळे साहब के सबके दिल में छा के बैठे है और वही जीत के आए थे, शेवाळे साहब को ही होगी. क्यों ऐसा लगता है आपको? वो क्यों ऐसा लगता है ना कि वो संपर्क में रहते हैं और जो काम बोलेंगे वो करते हैं. यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? हम लोग वह के लोग को नहीं मैसेज देंगे, मगर इतना है कि यही अपना भारत में शेवाळे साहब और मोदी साहब का जैसा नेता जरूरी है और आना चाहिए. क्या कहेंगे राहुल शेवाळे या फिर अनिल देसाई? राहुल अच्छे से ले काम करते हैं, जरूरत चाहे वो कर लेते जाएगा. हाँ लोगों की मदद करते हैं, अच्छा इंसान ही आने चाहिए ना. हाँ उसको ही देंगे, नहीं राहुल शेवाळे को देंगे. इंशाल्लाह जीत तो राहुल शेवाळे की होंगे कि 10 साल से एमपी है, 4 बार नगर सेवक रह चुके वो और प्रभारी से चेयरमैन भी रह चुके वो. जीत तो उनकी पक्की है इंशाल्लाह. उन्होंने जो काम किया हुआ है अच्छा अच्छे काम किए हुए और उनके लॉकडाउन में जो काम किए उन्होंने. राहुल भाई को वोट क्यों देना चाहिए, ऐसा क्या काम किया है चिता के मालों के लिए राहुल शेवाळे? तो काम उन्होंने किए अभी, जैसा कि मैंने मसला जो मसला है पब्लिक का मसला, वो हम लोग ने राहुल भाई के नाम पे छोटा मोटा भी काम है राहुल शेवाळे के नाम पे करके दिया. हम लोग ने उनके नाम से बहुत बड़े बड़े काम हुए ले, इसके लिए उनको देना चाहिए हक. अपना पड़ोसी के बाजी में, ये पड़ोसी बाजी में रहता है. अनिल देसाई कहाँ रहता है? ये रहता है तारदेव में, उसे कौन ज्यादा चिता गेम में. वो अरे एक बात बताओ ना, आप अनिल देसाई बोल रहे जीत के आएंगे तो काम कर, क्या काम करेंगे वो? कभी उनको हमने देखा भी नहीं, कभी काम उनका कभी देखे भी नहीं हम लोग ने, तो कहीं के लिए उनको वोट देने का? 10 साल से एमपी रह चुके आदमी और हर आवाज उठा रहे चिता गेम का, इस्लाम एरिया के जो उन्होंने बोला था कि ये होने के बाद में हम लोग बैंक के मतलब यहाँ पे खोल के देंगे करके, उन्होंने वो भी काम आवाज उठाए थे अपना पार्लियामेंट में वो, क्योंकि अच्छे अच्छे काम कर रहे वो. हम उनको ही वोट देंगे, दो नंबर बटन है उनका, दो नंबर पर उनको जिताना है. अच्छे अच्छे काम करते हैं वो और बाजू का ही आदमी है, कोई बाजू मतलब लंबा तो नहीं है. और अनिल देसाई चिता गेम में कभी देखा ही नहीं उसने,
और दूसरी बात ये निमेश भोसले यहाँ से सेकंड जब नगर सेवक में आया था, क्या काम किया उसने? कभी चीता गेम में आया नहीं उसने, और राहुल शिवालय ने बहुत से काम करके गए यहाँ से। चीता गेम को जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप वोट यहाँ मत डालो, जो अपने गांव का पड़ोसी है, बाजू में ही रहने वाला है, उसको वोट दो, क्योंकि आप लोग अनिल देसाई को वोट देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होने वाला है इससे।